बाप ने जो ऊपर इक्वेशन दिखा ली थी वो ये थी कि 12 इज इक्वल्स टू 1.2 टू एक्स प्लस आर, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन आपकी आई थी 12 इज इक्वल्स टू 3 एक्स बाई 2 प्लस आर, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ आप जब इसको करोगे तो 12 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 2.4 एक्स प्लस 1.2 आर आ रहा है, और यहाँ पर 12 इज इक्वल्स टू 3 एक्स बाई 2 प्लस 3 आर आ रहा है, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो x की वैल्यू आपके पास 4 ओम्स आ जाएगी। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व होंगी, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 4 ओम्स आ गई। उसके बाद क्या हुआ, आपको वो कह रहे हैं कि पावर ट्रांसफॉर्म, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर ट्रांसफॉर्म्ड इन वन रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस x एंड सेकेंड वन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस x इन फिगर 5.2, ठीक है। तो आपके पास जो है आप कोई भी जो है वो रेशियो यूज कर सकते हो। ज्यादा बेहतर यह है कि आपको करंट पता है दोनों का और रेजिस्टेंस पता है, तो आप जो है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फिगर के लिए आपके पास जो है वो आप उसके लिखोगे 1.2 स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय, और जो करंट अब सेकेंड वाले में वैसे 3 है लेकिन क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स इक्वल है और पैरेलल पाथ है तो वो 1.5 और 1.5 में डिवाइड होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.5 स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। अब जब ये आ जाएगा तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद रेशियो आपके पास आ जाएगा 0.64, ठीक है। बिकॉज रेशियो है तो यहाँ पर कोई भी यूनिट आपके पास नहीं होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, द रेजिस्टेंस इन फिगर 5.1 एंड फिगर 5.2 आर रिप्लेस्ड बाय आइडेंटिकल 12 वोल्ट फिलामेंट लैंप्स। व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज नॉट द सेम एज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास लैंप की चेंज होती है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा कि उसकी वजह से आपकी जो रेजिस्टेंस है उसको भी पर भी इम्पेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वजह से सेम नहीं होगा। तो जैसे जैसे पीडी इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपके पास वही इम्पेक्ट नहीं होगा जो कि एक रेजिस्टर का होता है।